Hi guys, this is Niharika and this is my first video and I am very much excited and I am very much nervous, you know, to launch my channel on YouTube. So guys, जैसा कि आप सबने मेरा इंटरव्यू देखा होगा ऑन कुमार भरत सर चैनल दैट हाउ आई मैनेज टू क्वालिफाई माई यू जी सी नेट एग्जाम विद एम कॉम एज माई अपेयरिंग एंड डूइंग अ जॉब. सो गाइज, मेरा इस चैनल को लॉन्च करने का ये मकसद है कि गाइज आई कैन कनेक्ट विद यू, आई कैन कनेक्ट विद पीपल इन माई फील्ड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट. सो गाइज, मेरा इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि आई विल बी डिस्कसिंग माई व्यूज, माई स्ट्रैटेजीज एंड माई थॉट्स and with you all who are, you know, preparing for the coming July exam. So yeah, this sounds great, like launching my own channel on YouTube and connecting with you all. Like, this is a very huge thing for me. And agar mere vichar ya mere kya jo bhi keh sakte hain aap log, agar मेरी स्ट्रैटेजीज और सब कुछ आपके काम आ सके तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल कि लाइक आई हैव यूज माई नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी. लाइक जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं क्वालिफाइड नेट, तो गाइज मैंने एज यू ऑल नो दैट कि मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से. सो गाइज, मेरा ये चैनल बनाने का मेन मकसद ये है कि यू नो, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय यूजीसी नेट, तो कॉमर्स का ऐसा कोई ऐसा फुल फ्लेज्ड चैनल नहीं था टू गाइड स्टूडेंट्स ऑन यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉमर्स, या पेपर टू में क्या पढ़ना है, पेपर थ्री में क्या पढ़ना है, मतलब इन सब के लिए गाइड करने के लिए ऐसा कोई चैनल नहीं था. तो आई थॉट व्हाई नॉट, why depend on others, you know, if I have qualified my net, why should not I launch my own channel through which I can connect with you people who are preparing for their net exam. So guys, paper one ke liye to we all know like jo bhi is field mein hai of UGC net exam, preparing for their GRF or preparing for their net, पेपर वन के लिए दे ओनली प्रेफर, लाइक आई पर्सनली प्रेफर कुमार भरत सर चैनल. लाइक उनसे अच्छा तो पेपर वन में कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से. बट या दिस चैनल इज जस्ट अ मीडियम टू कनेक्ट विद यू ऑल पीपल. लाइक आई विल बी अपलोडिंग माय व्यूज, माय स्ट्रेटजीज ऑन पेपर वन, हाउ आई प्रिपेयर्ड इट. I'll be guiding you what you should study on paper 2 and paper 3 to ab raha nahi guys. Official notification ke according paper 3 has been scrapped. Ab aapke jo bhi subject hai uska sirf ek paper hoga and that will be called paper 2. So guys, paper 2 mein jo pehle ka pattern tha, paper 2 hota tha aur paper 3 hota tha. Paper 2 में कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस आते थे एज कंपेयर टू पेपर 3. पेपर 3 बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होता था, बहुत ज्यादा रीजनिंग बेस्ड था, मतलब यू हैव टू गेट योर कंसेप्ट्स क्लियर फॉर पेपर 3. अब पेपर 3 तो रहा नहीं है गाइस, पेपर 2 है फॉर योर ओन सब्जेक्ट. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, तो पेपर 2 में कॉमर्स का एक पेपर आएगा विच विल बी कॉल्ड पेपर 2, जिसमें वॉट आई प्रेडिक्ट, वॉट आई सपोज, इसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी होंगे और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन भी होंगे. माई आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ इजी एंड टफ क्वेश्चन. सो अब आते हैं गाइज, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी पर, कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी टू क्वालिफाई नेट इन माय फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट. तो गाइस, पेपर वन के लिए अगर आपको आई थिंक सॉल्व पेपर्स खरीदने हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी नेसेसरी टू सॉल्व. बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर कर देते थे, मतलब मेरे मंथ्स की पहले प्रिपरेशन में आई टू हैव इग्नोर्ड यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो मतलब अब एक बार आ चुके तो दोबारा तो आएंगे नहीं. बट गाइस, ऐसा नहीं है, आपको बहुत थोरो वे में स्टडी करना होगा
ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जिससे मतलब यू हैव टू स्टडी फॉर पेपर वन वेरी थरली. मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टू सॉल्व. लाइक अगर आप 2018 जुलाई 2018 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आई थिंक जून 2013 के क्वेश्चंस शुड बी ऑन योर टिप्स. लाइक यू हैव टू डेली सॉल्व एटलीस्ट वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ पेपर वन एंड ऑफ अदर पेपर रिलेटिंग टू योर सब्जेक्ट. मतलब आपको पेपर वन शुड बी ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स शुड बी ऑन योर टिप्स. तो अब आते हैं पेपर वन के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी. आई विल बी डिस्कसिंग इन इट टू वीडियोज. लाइक मैं अपना पहला 5 यूनिट्स का मैं डिस्कस करूंगी कि वॉट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर फर्स्ट फाइव यूनिट्स को मैंने कैसे कोप अप किया, कैसे उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा. सो गाइस, अब यहाँ पर बात आती है कि हाउ आई प्रिपेयर्ड माई यू नो माई पेपर वन एंड हाउ आई मैनेज्ड टू स्कोर 32 questions राइट इन माई पेपर वन. सो गाइस, पहले मैं बात करूँगी इस वीडियो में अबाउट 5 यूनिट्स, कि मैंने 5 यूनिट्स को कैसे प्रिपेयर किया. सो गाइस, फर्स्ट यूनिट, पहले क्या पेपर का पैटर्न था कि पहले 60 questions आते थे, जिसमें कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता था. यू नो, कभी किसी यूनिट से 6 questions आ गए, 7 questions आ गए. बट गाइज, अब पैटर्न चेंज हो गया है. अब पैटर्न हो गया है 50 questions आएंगे पेपर वन में, विद ऑल questions आर कंपल्सरी टू आंसर, जिसमें 10 यूनिट्स होती है हमारी पेपर वन में, एंड अप्रोक्सीमेटली 5 questions फ्रॉम ईच यूनिट आर आस्क्ड इन द एग्जाम. सो गाइज, फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड. सो गाइज, टीचिंग एप्टीट्यूड इतना ज़्यादा, मतलब आपको इतना ज़्यादा, अगर आपका कॉमन सेंस क्लियर है, राइट, यू नो वॉट टीचिंग इज, वॉट अ टीचर इज, वॉट क्लासरूम टीचिंग इज, वॉट स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम टीचर्स, या आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आप यू नो यू कैन सॉल्व टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन. मतलब इसमें इतनी ज़्यादा पढ़ने की नहीं ज़रूरत है. इट डजेंट रिक्वायर्स यू नो लॉट ऑफ स्टडिंग या डीप स्टडिंग. मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सो आई थिंक यू कैन आंसर टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन वेरी इजिली, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आई थिंक बेसिक इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का मेन यू नो जहाँ से क्वेश्चन हर साल हर बारी पूछे जाते हैं, इट कैन बी यू नो इवेल्युएशन सिस्टम. अगर आपने इवेल्युएशन सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, यू नो समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये सब आपने अच्छे से पढ़ा है, यू नो व्हाट अ टीचर इज, हाउ ही कम्युनिकेट्स टू यू नो स्टूडेंट्स, लाइक हम यू नो स्टूडेंट्स, लाइक वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट टीचिंग इज, हाउ अ टीचर टीचेस. तो आई डोंट थिंक इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. बट अगर आपने वहाँ पे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को एकदम ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया, तो आई थिंक यू कैन आंसर दैट वेरी ईजिली. लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं यू, तो आपको इंग्लिश की वर्ड्स वहाँ पे एट द मोमेंट समझ में नहीं आते हैं, तो यू तो अगले मतलब साइड बाई साइड पन्ने पे हिंदी का भी लिखा होता है. तो अगर मुझे एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी नहीं समझ में आता, आई प्रिफर टू हिंदी वर्ड्स. लाइक वहाँ पे नहीं समझ में आता है कुछ वर्ड्स ठीक आ जाते हैं, तो गाइज आप ये ठीक यूज कर सकती हैं, कैन यूज हिंदी वर्ड्स एज वेल विच आर गिवेन ऑन द अदर साइड ऑफ द पेज. लाइक आप उससे यू नो यू आर लाइक, मुझे तो बहुत हेल्प मिली टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. तो गाइज, ये बात होगी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की. नाउ टॉकिंग अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड. हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड में यू हैव टू स्टडी अलॉट, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है रिलेटिंग टू यू नो बहुत, क्योंकि अगर हम इट मतलब नेट के एग्जाम ही है यू नो टू रिक्रूट जूनियर रिसर्च फेलोशिप या सो डूइंग रिसर्च या रिसर्च की क्वेश्चंस गाइज बहुत ज़्यादा एक दो साल में बहुत ज़्यादा ट्रिकी आए हैं. तो गाइज अगर रिसर्च में यू हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ रिसर्च, लाइक टाइप्स ऑफ रिसर्च का क्वेश्चन हर बार ही आता है एग्जाम में,
So you have studied types of research and types of research like you can study conference, symposium, वर्कशॉप. इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है लाइक रिसर्च एथिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटिंग टू यू नो रिसर्च एप्टीट्यूड. इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हर बारी. सो गाइज मेरा पैटर्न क्या था, मैंने पेपर वन के लिए क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा नया था तो मैंने क्या किया, पहले मैंने हर एक यूनिट के अलग अलग यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉर्ट करने शुरू कर दिए. लाइक आई प्रिपेयर्ड अ फोल्डर फॉर लाइक एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने क्या किया, जो हर साल क्वेश्चन है उनको हर जगह सॉर्ट करके रखती गई. जब भी मुझे टाइम मिलता है बीच कुछ अपनी स्टडीज में, तो आई यूज टू सॉर्ट दोज क्वेश्चन यूनिट वाइज. तो उससे क्या होता था कि जब मैं कोई यूनिट पढ़ने बैठती थी तो उसमें क्या होता था कि मुझे सॉर्टेड क्वेश्चन मिल जाते थे. लाइक मुझे एक पता चल जाता था टीचिंग एप्टीट्यूड में इस साल ये क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से. तो मैंने वही टॉपिक्स पढ़े जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे. आई यूज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अ लॉट. मतलब कि उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है यू नो टू स्टडी हाउ द पैटर्न ऑफ पेपर इज. नाउ कमिंग टू थर्ड यूनिट कम्युनिकेशन. तो गाइज कम्युनिकेशन का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ है इन यूजीसी नेट. पहले बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का आता था यू नो रिलेटेड टू न्यूज, रिलेटेड टू रेडियो, एफएम रेडियो, रिलेटेड टू यू नो टीवी, ऑल टीवी सीरियल्स, लाइक इन सबसे कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं आई थिंक टिल 2014 एंड 15. बट देर इज अ सटल चेंज यू नो इन पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो गाइस कम्युनिकेशन में यहाँ पे अब जो अकॉर्डिंग टू चेंज्ड पैटर्न हमें जो पढ़ना है इन कम्युनिकेशन मेनली इज क्लासरूम कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. लाइक हमें पूरा एक होल कंसेप्ट समझना है कि व्हाट कम्युनिकेशन इज, क्योंकि दिस पेपर इज रिलेटेड टू नेट कम्युनिकेशन में अब पूछा जाता है यू नो बैरियर्स क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, या बर्लोज मॉडल, या ऐसे ऐसे मॉडल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल्स बने हैं कम्युनिकेशन के यू नो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. और इन्हीं सब पे पूछा जा रहा है इस टाइम नेट में यू नो कि कम्युनिकेशन सॉरी कम्युनिकेशन राइट. ओके इन जी सब पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि मतलब नाउ कम्युनिकेशन यूनिट इज मोर फोकस्ड ऑन क्लासरूम कम्युनिकेशन रादर देन न्यूज एजेंसीज यू नो टीवी सीरियल्स एंड ऑल दैट. ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, बट अब क्लासरूम कम्युनिकेशन पे मेनली फोकस्ड होकर क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो गाइज अब बात करते हैं अबाउट यू नो हमारे थर्ड यूनिट की विच सॉरी हम गाइज अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट विच इज रीडिंग कम्प्रिहेंशन. तो गाइज रीडिंग कम्प्रिहेंशन लाइक मैं भी सोच के गई थी कि यू नो रीडिंग कम्प्रिहेंशन तो मतलब बहुत ईजी आता है, बहुत अच्छा आता है, बहुत मतलब ये 10 मार्क्स तो यू नो मेरे पक्के हैं, मतलब बहुत अच्छे से मैं कर लूंगी. बट गाइज अगर आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन स्ट्रांग भी है देन टू आई वुड रिकमेंड कि आप यू नो एटलीस्ट एग्जाम के 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने पहले से यू शुड स्टार्ट यू नो रीडिंग समथिंग. यू शुड गेट इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग समथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रिहेंडिंग इट राइट. तो इससे क्या होगा कि अगर एग्जाम में भी आप पढ़ेंगे तो यू नो यू गेट अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. तो इट बिकम्स ईजी एंड सिंपल फॉर यू. लाइक आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ राइट. सो गाइज दिस ट्रिक रियली वर्क एंड आई थिंक इफ यू वॉन्ट टू स्कोर मोर ऑफ इन रीडिंग कम्प्रिहेंशन, क्योंकि गाइज ये फ्री के मार्क्स होते हैं, पैसेज पढ़ना है एंड यू हैव टू आंसर, बट वहां पे इतना ज्यादा ईजी नहीं होता है, इतने कम टाइम में प्रेशर होता है टू अंडरस्टैंड द पैसेज टू यू नो आंसर इट करेक्टली. सो या यू हैव टू वर्क ऑन रीडिंग कम्प्रिहेंशन. नाउ गाइज अगर बात करें हमारी फिफ्थ यूनिट की, तो गाइज फिफ्थ यूनिट इज ऑफ DI डाटा इंटरप्रिटेशन. सो गाइज बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट्स स्किप दिस DI पोर्शन राइट. अगर उनको आता भी है तो भी एग्जाम में छूट जाते हैं क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम
तो गाइज यहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है, हाउ यू विल मैनेज योर टाइम, क्योंकि गाइज अब पेपर 1.25 घंटे का नहीं है, पेपर अब 1 घंटे का है, सॉल्व करने हैं 50 क्वेश्चन, सो यू नीड टू गेट अ वेरी प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर इट. सो गाइज DI में अगर आपका रेशियो अच्छा है, रेशियो निकालना आता है, यू नो हाउ टू डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, राइट, यू नो यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम एनी बैंकिंग की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत ज्यादा DI के मतलब क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें, सो आई वुड रिकमेंड लाइक हर एक दिन में यू नीड टू प्रैक्टिस 1 to 2 sets ऑफ DI डेली, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू कैन चेक, यू कैन सॉल्व फ्रॉम इट. सो गाइज ये थी मेरी पहली वीडियो ऑन माई ब्रांड न्यू चैनल वेयर आई डिस्कस्ड माई स्ट्रैटेजी ऑन पेपर वन, हाउ आई प्रिपेयर्ड माई 5 units, एंड आई एल बी अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियो वेरी सून इन विच आई एल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस इन हाई ऑन हाउ आई प्रिपेयर्ड माई अदर 5 units. सो गाइज आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, नहीं आई तो भी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आई वुड ट्राई टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.